19 में मैं हूँ आपके साथ मीनू चौहान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। पटाखा व्यवसाय की दुकान से 560 किलो 900 ग्राम पटाखे जब्त, दो गिरफ्तार। बारा जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि, आईपीएस के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सरकार के नेतृत्व में पटाखा व्यवसायी आर डी ब्रदर्स हर्षित इंटरप्राइजेस के अट्रू रोड व फुसरा रोड पर स्थित पटाखा गोदामों पर क्षमता से अधिक व चाइनीज पटाखे होने की सूचना मिलने पर प्रशासन व पुलिस के उप अधीक्षक सुरेंद्र दानोदिया, COSC ST सेल 12, पुलिस उप अधीक्षक सोजीलाल एवं थानाधिकारी मामरोल व किशनगंज को गोदामों की जांच करने हेतु भेजा गया। राकेश शर्मा RPS महिला अत्याचार सेल 12 व थानाधिकारी कोतवाली राजेंद्र कुमार ने जाबका के अस्पताल रोड पुराना गाड़ी अड्डा स्थित दुकान आर डी ब्रदर्स पर अवैध पटाखे आतिशबाजी की सूचना मिलने पर कार्यवाही की गई, जिसमें 507 किलो 900 ग्राम अवैध पटाखा व आतिशबाजी मिली, जिसको जब्त कर लिया गया है। आरोपी का नाम बाल मुकुंद ब्रजमोहन जाति महाजन, उम्र 65 वर्ष, निवासी शिवाजी नगर 12 पर विजय पुत्र विद्या रतन जाति राठी, उम्र 22 वर्ष, निवासी पांडरिया बताया जा रहा है। बारा से न्यूज 19 के हमारे संवाददाता योगेंद्र मेहता की एक रिपोर्ट।